क्या पाकिस्तान पर बोझ बन गया है हाफिज सईद और लश्कर? पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान के मायने क्या है? आतंकवाद के मुद्दे पर लानत मनालत होने के बाद अब पाकिस्तान के सुर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरान अब तक लश्कर को आतंकी संगठन और हाफिज सईद को आतंकी मानने से ही इनकार करता रहा है, लेकिन अब उन्हें लश्कर और हाफिज सईद बोझ लगने लगे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मौजूदा हालत से उन्हें दुख भी होने लगा है। एशिया सोसाइटी में सवाल जवाब के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। अपने एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लश्कर का मुखिया हाफिज सईद अब पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुका है। उन्होंने कहा कि लश्कर ए तैयबा और हाफिज सईद पाकिस्तान के साथ ही दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाफिज सईद और उसके संगठन से छुटकारा पाने में कुछ समय लगेगा। हालांकि इस दौरान वे अमेरिका पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि हाफिज को लेकर सिर्फ हमें दोष मत दीजिए, लश्कर के बनने में या बनाने में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं जिम्मेदार है। 20 साल पहले इसके बनने और बनाने में अमेरिका ने भी मदद की थी और एक दौर में ये आपके डार्लिंग हुआ करते थे। इससे पहले भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी थी और कहा था कि आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान ईमानदारी से काम करे। इतना ही नहीं, मैटिस ने कहा था कि अब भारत और पाकिस्तान मिलकर आतंकियों को पना देने वाले देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान पर आतंक को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं, क्योंकि इस बार अमेरिका के साथ साथ चीन ने भी पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं। शायद यही वजह है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान जबरदस्त दबाव में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अपने सरजमीं से आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान कौन सा ठोस कदम उठाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।